कुछ अब जेब में पैसा बचा है कि सब खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया भैया लोग हैं, सब पैसा खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि चार दिन से, चार या पाँच दिन हो गया, पाँच दिन से गाड़ी खड़ा है, कोई अनलोडिंग का सुविधा नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है। यहाँ पे मरते रहो जंगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक गाड़ी नहीं है, देख सकते हैं भाई लोग का बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लोड करके। हम लोग खड़गपुर से पाइप लोड करके आए हैं और यहाँ पे हम लोग टिकरी में हैं। हाँ नहीं नहीं, कंपनी का कोई नाम नहीं लेना है, कंपनी का कोई गलती नहीं है इसमें, गलती है यहाँ का अनलोडिंग पॉइंट का, जो अनलोडिंग पॉइंट पे जो खाली कराते हैं उनका गलती है। कोई कंपनी तो माल दे दिया आपको, फिर खाली कराने का तो गलती है ना, कंपनी का कोई नाम नहीं लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों पार्किंग में है, ड्राइवर लोग भी, भाई लोग परेशान हैं, और यहाँ पे जितना भी पॉकेट में पैसा था सब खर्च हो गया, अब कुछ बचे नहीं गया है पॉकेट में। तो आप लोग प्लीज़ इस पे क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक। तो मैं गोपाल, आप देख रहे हैं रोड तक न्यूज। आज कुछ भी न्यूज नहीं है, बस मस्ती है, और हमारे साथ में राम देनी भैया है। आज कुछ भी मस्ती है, बस बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आज चार दिन से यहाँ ड्राइवर लोग परेशान है, कोई गाड़ी खाली नहीं हो रहा है। ट्रेलर खाली नहीं होगा, यहीं रुकना पड़ेगा। उसको फोन लगाओ, इधर खाली कर बोलना पार्किंग में। क्या करेंगे, प्लाट देंगे यहीं पे दोस्तों, ठीक है? माल अगर खाली नहीं होता है तो यहीं पे गाड़ी प्लाट देंगे, गाड़ी नहीं पलाटेंगे, माल प्लाट देंगे यहीं पे। कहो, अगर गाड़ी नहीं खाली होती है तो माल को पलटी कर देना है, ठीक है? चार पाँच दिन में कोई मतलब अब खत्म हो गया कहानी। अरे भैया ऐसे नहीं मारा जाता है, ए दिनेश भैया अब रगड़ा, अब थोड़ा रगड़िए भैया, सब पनिए ऐसे फेंक देंगे तो फिर कैसे होगा बताइए? उसको अब हाथ से रगड़ दीजिए, तब दो जो बचा है वो पानी फेंकिए। ऐसे पानी फेंकने से क्या फ़ायदा होगा, जल्दी थोड़ा मारिए।